तो सर पहले ऐसा नहीं लगता, सॉरी आपको मुझे बोलना चाहिए था। सॉरी मैम, आप मेरे बारे में क्या क्या बोल रहे थे? अरे मैंने बोला ना सॉरी। नहीं नहीं, आपके घर में, आपके घर में, आपके घर में बीवी, बहन, माँ है ना? आपके घर में भी मुझे क्या क्या बोल रहे थे उन्होंने आपको? और अगर आपको फोन के बारे में भी अगर उन्होंने बोला है ना आपको, तो जब बोला ना तभी आप सीधे से बात कर रहे हो। अच्छा अच्छा, हाँ अभी समझा। हाँ, और दूसरी बात है ना, उन्होंने है ना ये जो लोन भरना है ना आपको, आपके पास DMI फाइनेंस का ना एप्लीकेशन रहेगा ना, डायरेक्टली उससे पेमेंट करना है। हेलो हेलो, क्यों सर फॉर्म क्यों कट कर दिया? फिर फॉर्म क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो? डर गए क्या? अरे तुमने तो बोला बात नहीं करनी है। अरे सर आपने बोला ना कि मैं लाइन पे ले रहा हूँ उनको, आपने बोला ना अभी, आपने बोला ना मैं तो बात नहीं कर रहा उनको। अरे सर मैं क्या बोल रही हूँ, आपने क्या बोला कि मैं उनको लाइन पे ले रहा हूँ जो मेरा पेमेंट करने वाला है, क्योंकि आपके पास तो पैसे है ही नहीं। आपका नाम क्या है मैडम? हाँ नाम क्या आपका? नाम जान के क्या करना है सर जी, नाम में क्या रखा है? पेमेंट में रखा है ना, पेमेंट करवा के दीजिए, नाम पता एड्रेस सब कुछ दे दूंगी मैं आपको, ठीक है? थोड़ी आपके घर पे आने का मुझे, तो नाम का क्या करोगे आप मेरे नाम से? मतलब क्या है? अरे पता तो चलना चाहिए किससे मैं लोन की बात कर रहा हूँ। क्यों पता नहीं चल रहा है क्या आपको? मैंने इतना बोला DMI के भैया से बात करो, आपको पता नहीं चल रहा है? थोड़ी DMI के भैया, ऐसा कौन सा होता है? मेरे को पूछ दो ना, आप DMI के बारे में किससे बात कर रहे थे? DMI ने आपको ऑथराइज लेटर दिया होगा ना कि आप मेरे से बात कर सकते हैं करके? हाँ दिया है ना। हाँ तो वो लेटर पहले वो लेटर सेंड करो, फिर उसके बाद आपकी ID सेंड करो, उसके बाद आप मेरे से बात करो। क्यों लोन लेने के टाइम पे आपने ID ली थी क्या? और नहीं तो क्या, ID मांगी थी तभी? नहीं ID मांगी थी आपने? नहीं मैंने तब दी थी। क्या दी थी? अपनी ID। किसने दी थी अपनी ID? मैंने। आपने अपनी ID दी थी बैंक को? अपनी ID दी थी मैंने। हाँ क्या? हाँ बिना ID के थोड़ी लोन देंगे आप लोग। हेलो हेलो हेलो, यस मैम। हाँ सर अभी ये जो DMI फाइनेंस का आप जो पेमेंट बोल रहे हो, क्या क्वेरीज आ रही है आपको बोल रहे हो? मोबाइल का लोन? हाँ DMI फाइनेंस का, यस मोबाइल का। अच्छा, कौन सा मोबाइल लिया था मैम मैंने लोन पे? ओके अभी आपको ये सारी चीजें मतलब अंदाजा नहीं है या फिर आपको पूरा स्टेटमेंट वाइज वगैरह ही चाहिए डिटेल्स? अरे मैम आप मेरे को बोल रहे हो मोबाइल लोन, तो मैंने कौन सा मोबाइल आपके लोन पे लिया है मैं वो जानना चाहता हूँ। ओके 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 मिस्टर दिनेश, फाइन एक सेकंड होल्ड कीजिए। आपका फाइनेंस मनी टैब है राइट? मनी, अरे आप पहले डिसाइड करो मोबाइल लोन कि मनी टैब लोन। मनी टैब इन द सेंस DMI फाइनेंस कंपनी है ना आपको, है ना? मनी टैब ही आपका फाइनेंस टूल है और आपका कोई फोन नहीं है फर्स्ट थिंग, तो आपका पर्सनल लोन नहीं है। तो अभी आप मोबाइल मांग बोल रहे थे मेरे को, अभी तो मोबाइल नहीं, अभी जिनसे आप अभी जिनसे आपकी बात हो रही थी ना उनसे कोई बाय मिस्टेक हुआ रहेगा, क्योंकि हमारे पास पर्सनल लोन का भी रिकवरी है, पर्सनल लोन की भी रिकवरी है और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन की भी रिकवरी है, तो उनका थोड़ा सा हाँ वहाँ पे वो मिस्टेक हुई रहेगी, पर उन्होंने एक भी बार ऐसा नहीं बोला कि आप हमारे ना पर्सनल अकाउंट पे पैसा भेजो। तो ठीक है फिर मेरे को आप काम करो, उनको पहले बोलो मेरे से सॉरी बोले, क्योंकि मैंने मोबाइल लोन लिया नहीं है, उन्होंने मेरे को इतना सुनाया है, उनको बोलो पहले सॉरी। ओके 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 ठीक है चले। नहीं 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 सॉरी अगर बोलना है ना तो सर पहले ऐसा नहीं लगता, सॉरी आपको मुझे बोलना चाहिए था। सॉरी मैम, मेरे बारे में क्या क्या बोल रहे थे? अरे मैंने बोला ना सॉरी। नहीं नहीं, आपके घर में, आपके घर में, आपके घर में बीवी, बहन, माँ है ना? आपके घर में भी मुझे क्या क्या बोल रहे थे उन्होंने आपको? और अगर आपको फोन के बारे में भी अगर उन्होंने बोला है ना आपको, तो जब बोला ना तभी आप सीधे से बात कर रहे हो। अच्छा अच्छा, हाँ अभी समझा। हाँ, और दूसरी बात है ना उन्होंने है ना ये जो लोन भरना है ना आपको, आपके पास DMI फाइनेंस का ना एप्लीकेशन रहेगा ना, डायरेक्टली उससे पेमेंट करना है, मैडम के पर्सनल अकाउंट पे पेमेंट नहीं करना है। एप्लीकेशन नहीं है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो कहाँ से? अगर नहीं या फिर लोन नंबर है, लोन नंबर आपके पास रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो लोन नंबर हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, लोन नंबर के अकॉर्डिंग डायरेक्टली आपको पेमेंट करना है। यस मैम, ये तो शॉर्टकट दे दिया आपने, प्लीज जल्दी भेजिए। ओके ले लीजिए ना, चलो अभी कॉल पे ही ले लीजिए ना। फोन पे लिंक कैसे लूंगा मैं आपको? आपका लोन नंबर है ना, लोन नंबर है ना ओरली भी बताया जाता है, कोई लिख के देने की जरूरत नहीं है। अच्छा ओरली, सब ओरली करोगे तो फिर क्या चलेगा, लिखित में चाहिए मेरे को मैम, ओरल में मेरे को समझ नहीं आता है। अरे मिस्टर थोड़े से तो आप हो ना एजुकेटेड,
अगर मुझे मेरा लोन नंबर मिल गया तो सारी बातें मैं क्रॉस वेरीफाई कहाँ से भी करा सकता हूँ। अरे लेकिन मैं बोला ना मेरे को ओरल में मजा नहीं आता है मेरे को लिखे। हाँ तो सुनो ना आपको हम लोग है ना अभी ना बोलते थे, मैंने बहुत अच्छे से बोलते हम लोग है ना आपको ना एंटरटेन करने के लिए नहीं बैठे मैम। तो मैंने कौन सा बोला नहीं आता तो हम लोग आपको मजा देने के लिए सब नहीं बैठे। तो आप मेरे को थोड़ी गाना सुना रहे हो जो एंटरटेन हो रहा हूँ मैं। हाँ तो वही मैं बोल रही हूँ आपको मजा देने के लिए यहाँ पे हम लोग नहीं बैठे। अरे मैडम आप कौन सी मजा दोगे, लोन नंबर है ना, लोन नंबर है ना, सुनो ना आपको क्या लिखित चाहिए ना, आपको लिखित चाहिए ना, लिखित चाहिए ना आपको। हाँ ठीक है लिखित देती हूँ अभी है ना, फोन पे चालू करो, फोन पे चालू करो, लिखित चाहिए ना। हाँ तो लिखित चाहिए ना, लिखित देती हूँ आपकी नजरों को लिखा हुआ दिखे ऐसा लिखित देती हूँ आपको। अच्छा तो फोन तो चालू ही है मेरा, फोन पे चालू है उसमें ना। तो फोन पे तो बात कर रहे हैं हम। ओ मिस्टर गवार फोन पे जिससे पेमेंट करते हैं, स्कैन करते हैं, यूपीआई फोन पे। आपने मिस्टर दिनेश को फोन लगाया, आप गवार गवार कौन है मुझे नहीं पता। आप अच्छा। नंबर, आप पहले नंबर देख के डायल करो प्लीज, पहले तो पहले डिसाइड करो फोन का लोन है कि ऐप का लोन। अच्छा, है सॉरी एक्चुअली हाँ नहीं सॉरी 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 एक्चुअली मेरे से मिस्टेक हो गई, मैंने तो दिनेश मोहन सिंह को ही लगाया था। बट आपकी जो बातें है ना, आपकी जो बातें है ना इतनी बकवास है ना सर, आपकी बातें है ना, आपकी बातें इतनी, अपनी बातें इतनी अनपढ़ गवार जैसी है ना, तो मुझे लगा कि मिस्टर गवार बात कर रहे हैं। सॉरी मेरे से ना हाँ मिस्टेक हो गई, दिनेश मोहन सिंह की बात कर रहे हो। ओके ओके मतलब एजुकेटेड पर्सन। आपको डॉली बिंद्रा बोलूं क्या? क्या क्या हाँ बोल सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके डॉली डॉली ओके ठीक है अभी अभी चलो आपको दे दिया ना मैंने लिखित में। ना ना मैं नहीं आ सकता सॉरी मैं बिजी हूँ। अरे चलो आपको लिखित में दे दिया ना अभी क्यों आप इग्नोर कर रहे हो? कहाँ दिया? डर गए क्या? नहीं आप डर गए हो क्या? डर गए क्या? डर गया सर। तो सिर्फ डरने वाली काम करने का ही नहीं ना, क्यों किसी को डरने का? सही बात। चोरी का पैसा लिया है कि आपने? नहीं ना, नहीं कमाई का पैसा है ना आपके? कमाई का पैसा बैंक से एकदम मैंने उसमें लिया है, मेरा सिविल देख के बैंक ने दिया है। उसमें किसमें? बैंक ने सिविल देख के मेरे को दिया है। अच्छा हाँ ना, तो है ना सर अभी है ना जरा ना आप है ना आपका सिविल झाको, अभी है ना आपका सिविल है ना, अभी आपका सिविल है ना जरा झाको किस लेवल पे सिविल चला गया ना जरा देखो, सिविल देख के दे दिया गया था ना, सिविल जरा देखो, सिविल की आपने ना धज्जियां उड़ा के रखी है। पहले आप मेरा सिविल बढ़ाओ उसके बाद दूंगा लोन। ओ मिस्टर अभी अभी क्या बोले, बोलो मिस्टर दिनेश बोले या मिस्टर गवार बोले? नहीं आप बातें तो आपकी गवार हो जाती है ना। अरे सर आपने लोन पेमेंट पेंडिंग रखा है इतना, ये पेमेंट भरे बिना आपको सिविल क्लियर करके चाहिए। कौन से स्कूल से सर पढ़े हो? मैं हाँ मराठी, नहीं मराठी हिंदी मीडियम। अच्छा मराठी हिंदी मीडियम, मराठी येते का व्यवस्थित? हाँ येतं ना मॅम। हो का येतं का? जरा त्या शाळेमध्ये जाऊन ना विचारा सिबिल काय असतं आणि कशामुळे खराब होतं आणि कशामुळे ना आपलं चांगलं सिबिल बनतं। अच्छा असं शाळेत जाऊन विचारावं लागेल, ठीक आहे मी एक काम करतो तुम्ही मला उद्या फोन करा, मी उद्या विचारून येतो एकदा। मी का उद्याचा वेट करू? मी उद्याचा वेट का करू? मॅम साडेपाच वाजता मी उद्याचा वेट का करू? तुम्हाला नॉलेज नाही त्यामध्ये माझी काय ड्रिंक। जय महाराष्ट्र मॅडम, मी आता ठेवतो, लेट टाइमपास झाला आपला। जय महाराष्ट्र सर, पेमेंट करा आता, महाराष्ट्रामध्ये जा राहता आणि लोकांचे पैसे घेता। एकदा महाराष्ट्रामध्ये राहता लोकांचे पैसे घेता, आमच्या महाराष्ट्रामध्ये असं डिफॉल्टर लोक नको लागेल का? आम्हाला महाराष्ट्रामध्ये असे डिफॉल्टर लोक नाही पाहिजे, समजलं ना? म्हणून मी महाराष्ट्र सोडून आता दिल्लीला शिफ्ट झालोय, माहितीये का तुम्हाला? बघितलं? यस चांगलंय चांगलंय, महाराष्ट्रामध्ये कमवायचं आणि नंतर मग पळून जायचं। अरे मग अमिताभ बच्चन शाहरुख खान हे लोक पण कमवतोय, त्यांना तर तुम्ही विचारला नाही। पण ते डिफॉल्टर नाहीयेत ना, ते डिफॉल्टर नाहीयेत, ते सेलिब्रिटी आहेत। मग विजय मल्ल्या डिफॉल्टर नाहीयेत, त्यांना सिबिलचा अर्थ कळतो, ते डिफॉल्टर नाहीये तुमच्या सारखे। मॅडम विजय मल्ल्या कोण आहे? त्यांचं नाव आहे ना, त्यांचं नाव आहे ना दिनेश मोहन सिंग नाहीये। अरे पण विजय मल्ल्या कोण आहे? तो तर डिफॉल्टर आहे ना, तुम्हाला माहिती आहे। ते इंडियामध्ये राहतच नाही ना, ते महाराष्ट्रामध्ये राहतच नाही, ते महाराष्ट्रामध्ये राहतात। आणि ऐका ना ऐका ना ऐका ना ऐका ना सर, आपली जेवढे आपली जेवढी चादर आहे ना तेवढंच पाय पसरायचे। विजय मल्ल्याकडे जेवढं डोकं आहे ना ते तुमच्याकडे नाहीये। अरे मी त्याच्याच त्याला बघून बघून शिकतोय मी। हा मग शिकताय ना, शिकला नाही आहे अजून, शिकल्यावरती पंख जेव्हा तुम्हाला येतील ना तेव्हा उडत बसा, आता पंख नाहीयेत आपल्याला, समजलं ना? आता आपण ना धर्तीवरतीच आहोत, तर आपले जेवढे पाय आहेत ना जेवढे चादर आहे ना तेवढेच पाय पसरा, त्याच्यावरती जाऊ नका। तुमच्याकडे चादर नाहीये, कार्पेट आहे।
छान पट्टी बंद करा, चुपचाप पेमेंट करा. मैडम तुम्हाला चांगली भाषा ना समजत नाही, तुमची ना चांगली भाषा ना ऐकायची ना, तुम्हाला रिस्पेक्ट द्यायची ना, तुम्ही तेवढे ना कॅपेबलच नाही आहेत की कोणी तुम्हाला ना रिस्पेक्ट दे. बाबा तुम्ही काय तुमच्या नवऱ्याशी बोलताय का एवढ्या प्रेमाने? ओ मिस्टर तुमची नका 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 ऐका ना, बराबरी नका करू, बराबरी नका करू, बराबरी नका करू, बराबरी नका करू. एक तर तुमची बायको वरती मला तरस येते, तुमच्या आई वरती, तुमच्या बहिणी वरती, तुमच्या मुलीवरती, मला त्या लोकांवरती तरस येतोय. म्हणजे जर बाहेरच्या दुनियामध्ये, बाहेरच्या दुनियामध्ये जर ती लोक जर गेले तर काय प्राऊड प्राऊड हे करत ते लोक. अरे रे रे रे, खूप चुकीचं झालं. अच्छा मॅडम तुमचा व्यवस्थित चाललं ना तुमचं? मी असं ऐकलंय का तुमच्या नवऱ्याने पण फ्रॉड केलेला आहे बँकेसोबत? हा मग ते काय बोलतो, स्प्लेंडर घेतला होता, नंतर त्याचे ईएमआय नाही भरले आणि त्याचे पास विकून टाकले त्यांनी. ओ सो सॅड, माझं लग्नच नाही झालं अजून. काय बात करताय, मग तुमचा बॉयफ्रेंड असेल बहुतेक. हो सो स्वीट, असंही नाहीये, बदनसीब तुमचं. अरे मी माझेच बद्दल बोलत होतो, मी तुमचा बॉयफ्रेंड नाही का? एवढे डिफॉल्टरांना सर मी उभं नाही ठेवत. मी बसून बोलतो ना, मग तुम्ही पण बसून बोला. मग ते एवढ्या डिफॉल्टर आहेत ना, माझ्या ना पायाखालची धूळ पण नाही मी ठेवत. मॅम आता बोलू नका, कोणाला पायाखालती येऊ देऊ नका, नाहीतर मग काहीतरी वेगळंच घडत. हो का? ओके. तुम्ही अर्थाचे अनर्थ जर करायला गेली ना तर तुमची जी काही लायकी ना ते सगळं दिसत. ओके मॅडम, आता बघा मी आता दिल्ली मध्ये अभी हिंदी मे बात करू मॅम, क्यू ना क्योंकि अभी मराठी मेरे को जितना आती थी मैं उतना भूल गया हूँ. अभी जितना आते थे बात कर लिया. मराठी मध्ये बोलत होतात ना, मी महाराष्ट्र मध्ये, तुम्ही दिल्ली मध्ये असोट, मी तर महाराष्ट्र मध्ये ना, मी मराठी मध्येच बोलणार. ओके मॅडम, फिर आप मराठी में बोलो, हिंदी में रिप्लाई करा. पेमेंट करा, पेमेंट करा, पेमेंट करा. पेमेंट इंग्लिश वर्ड आहे मॅम, पेमेंट करा, पेमेंट करा. पेमेंट झाले कॉल येतोय जराशी, नाहीतर मनाची काहीतरी ठेवा. मराठी मध्ये काय बोलते पेमेंट को, मराठी मध्ये काय बोलते नाही वाटत मला, समजत नाही. लागले वाटत तुम्हाला घेताना, तुम्हाला कसं वाटत नाही का हो, तर घेता तुम्ही लोक लोकांचे, तुम्हाला थोडं तरी समजायला पाहिजे ना. आपल्या आई बापाची ही शिकवण आहे. अहो मोहन सिंगचं नाव खराब होतंय. काय बात करतात? हा मग माहिती नाही, पोरांना जाऊन विचारा, कारण पोरं आहेत ना दिनेश मोहन सिंगच्या नावाचे, तर दिवेच लावणार आहे. काय लावणार आहे नाही समजलं, महाराष्ट्र मध्ये समजेल. ओके मग महाराष्ट्र मध्ये कुठे यायचं, कुठे करा तुमचं? अहो एक काम करा, दिल्ली मध्ये आहात ना, दिल्ली मध्ये आपली हेड ब्रांच आहे, तिकडे जा आणि तिकडे जाऊन पैसे भरा. ओके ओके, मग हेड ब्रांच मध्ये जाके किस्त मिळले काय? पहिला जा तिकडे. अरे जाता हूँ ना मैं, मिलता हूँ मैं, पैसा क्लियर कर देता हूँ. एजुकेटेड आहात ना, एजुकेटेड आहात ना, कितना देने का? एजुकेटेड आहात ना, मैं एवढं पण नाही समजत. मॅडम हेड ब्रांच कुठे आपली, सेटलमेंट एवढं पण नाही समजत, एवढं पण नाही समजत, मूर्ख आहात ना एवढे. 45,000 में सेटलमेंट करना है तो बात करो, नहीं तो फोन रखो. 45,000 में सेटलमेंट क्यों दू? अपनी कंपनी थी क्या सर? अपने नाम पे एक कंपनी थी क्या? 1.5 लाख का लोन है और 45,000 में सेटलमेंट, क्या दहेज वहेज में सर पैसा लेके आए थे क्या? अरे आप, आपकी शादी नहीं हुई ना, तो आप मेरे से शादी कर लो और लोन माफ, क्या बोलते हो बिना दहेज के? नहीं ना सर, नहीं ये मेरी कंपनी भी नहीं है ना. तुम्हारी नहीं है ये तो कंपनी, तुम्हारे पापा की नहीं है, तो इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? सेटलमेंट दूंगी. अरे मुझे लगा तेरे पापा का पैसा है तभी तू इतना चिल्ला रही है. जब तेरे पापा का नहीं है तो तू नॉर्मल बात करना, बैंक का पैसा है ना, नॉर्मल बात कर. नॉर्मल सर बैंक का पैसा है और ये बैंक के लिए, और ये बैंक का पैसा नहीं है पहली बार, इतना भी नहीं सर पता, ये बैंक नहीं है, ये एनबीएफसी कंपनी है. ओके कंपनी, इतना भी नहीं पता. हाँ फिर क्या सर, इतना भी नहीं पता और आप मुझे सिखा रहे हो. तो मैं वही बोल रहा हूँ, एनबीएफसी कंपनी का पैसा है सर, मांग रहे हो. नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी का सर पैसा है, आपको इतना भी नहीं पता? अरे रे, और मैं तो कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव हूँ. क्या बात, आप अभी जो दोगे पैसा, आपका जो लोन है ना, आप आपका लोन चुकाओगे ना तो हमारा सर पेट भरेगा ना. वही बोल रहा हूँ, आपकी सर, सर देखो आप हो तो हम है. नहीं नहीं, आप हो, आप जैसे बड़े बड़े डिफॉल्टर्स इसके लिए सर हमको जॉब मिलती है, तो आप पैसा भरो, हमको भी पगार मिल जाएगी ना. यस, आप हमको कोऑपरेट करो.
मैम हमें तो आपको कॉर्पोरेट कर रहा हूँ, आप हमको कॉर्पोरेट तो 75,000 भर दो ना सर। उतना नहीं है ना, 45,000 में है। तो ठीक है, तो दो 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 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो इंस्टॉलमेंट में, लेकिन मैं 4,500 भर दूंगा, उसके बाद अगला इंस्टॉलमेंट किधर से लाऊंगा? अभी वो तो सर आपको सर देखना पड़ेगा ना, क्योंकि 1.5 लाख अगर आपने भी कहीं से 160,000 आपके पास किसी का पेंडिंग है और आप डायरेक्टली उसको जाके बोलोगे कि भाई मेरा है ना, देखो मैं 50% से भी कम अमाउंट में मुझे क्लोज करा के दे देगा क्या कोई? मेरे पास था ना, मेरे पास पैसा था, ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन वो भी बीच में ड्रीम इलेवन में मैं हार गया हूँ, क्योंकि मेरे को लगा था इंडिया जीतेगी, नहीं जीत पाई, वो बैड लक हो गया मेरा और मैं हार गया। अभी मेरे पास अच्छा पहले ले लो आप और खत्म करो, सेटलमेंट निकालो 45,000 में और लेके खत्म करो। सेटलमेंट होगा ही नहीं 45,000 में होगा, आपको पता है ना। तो आप खुद करके दो ना, एक काम करो, फोन चालू रखती हूँ, 45,000 में सेटलमेंट आप करके दो, कहाँ से करके देना है वो आपका लुकआउट। चलो, एक रुपया का पेमेंट नहीं भर रहा है पर आपको सेटलमेंट चाहिए और वो अभी 45,000 में। अरे भाई साहब क्या, नहीं मैम भाई साहब, फिर मैं आके खुली रख के सोते हो क्या? भाई भाई मत बोलो, अभी आपने भाई भाई बोल के ऐसा रिलेशन मत पैदा करो। नहीं नहीं सर, फिर रिलेशन, अरे नहीं नहीं सर, डिफॉल्टर के साथ नो रिलेशन। ओके हाँ, पैसा भरो। यस बेबी, तो भरो तो। अरे आपको मैं बोला ना सेटलमेंट, आप लेटर दो तो 45,000, तो मैंने भी बोला ना 45,000 में नहीं होगा। तो फिर फोन, मैंने क्या उर्दू में सर बोला क्या? मैम सुनिए ना, बोलिए ना, 45,000 में होगा या नहीं? 45,000 में नहीं होगा, मैंने बोला ना 75,000 में चाहिए तो वन स्टॉक मिलेगा आपको, अगर आपको दो इंस्टॉलमेंट में चाहिए तो अमाउंट थोड़ी ऊपर नीचे होगी। मैं रखता हूँ, चलो बाय।